फर्ज निभाऊं जो देखूं हालात लिखूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गांव पिपरोली की एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा कि कुछ ही दिन बीते हैं, कुछ लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में हो जाती है तो चार बच्चों को उन्हीं की हत्यारी माँ कत्ल कर देती है। ऐसी सनसनीखेज खबर जो है कुछ ही दिन पहले इस गाँव से निकल कर प्रकाश में आई थी। तो कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस गांव से दिल दहलाने वाली खबर ये आ रही है कि पिछले 2-3 रोज से कुछ परिवारों की कहासुनी चल रही थी, लेकिन आज उस कहासुनी यानी चिकचिकबाजी ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि पिपरोली गांव के अंदर दो पक्षों का झगड़ा हुआ है और दोनों पार्टियों के बीच में जबरदस्त पथराव हुआ है। एक लड़के को गोली लगने की खबर भी सामने आ रही है। आखिर हकीकत क्या है वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट में हम विस्तार से बताएंगे। फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि कई लोग जख्मी भी हुए हैं, एक लड़के को गोली लगी है। फिलहाल मैं वो वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जो पिपरोली गांव से प्रकाश में आ रही है, एक सूत्र ने हमें भेजी है। देखिए इस वीडियो को। बाजार भूल भाई, भूल बाजार तू अगला पिट्टल, ओ पिट्टल है। छोटे ध्यान रखे नहीं कोई नहीं रोड ना जाओ उधर ना ला। तो दोस्तों, देखा और सुना आपने इस वीडियो में पिपरोली गांव की जनता किस तरीके से उग्र हो रही है। तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और पुनाना पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस मामले निष्पक्ष तरीके से जांच करें और जो भी यकीनन इसमें दोषी पाया जाए उस परिवार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्दोष पाया जाए उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल ये सनसनी खबर पिपरोली गाँव से प्रकाश में आ रही है, लेकिन इसके बाद आपको अगली वीडियो में हम दिखाएंगे आखिर सच्चाई क्या थी, झगड़ा कैसे हुआ था, टोटल कितने लोगों को चोटें आई है, कितने लोगों में गोली लगी है। अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गोली सिर्फ एक लड़के में लगी है, कई जख्मी हुए हैं और इस वक्त जो हालात हैं वो बिगड़े हुए हैं। गांव के आसपास के ग्रामीण की भारी तादाद वहां बीच बचाव करने के लिए पहुंच गई है, लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं है। अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे पिपरोली मामले से जुड़ी एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।